हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर सिग्नेचर कॉलोनी ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसिस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित आम जनता के समक्ष रखी अपनी बातें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार छिंदवाड़ा परासिया और सौंसर में ली जनसभा। ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे ने दी नगरवासियों को दीपावली पर्व की बधाई सभी के लिए की मंगल कामना। और जेल बगीचे में लगी पटाखा दुकानों का नगर निगम टीम ने किया निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और खबरों में बढ़ने से पहले हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल नेटवर्क की तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 11 नवंबर की रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। सिवनी प्राण मोती में आयोजित जनसभा में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। इस दौरान लहगड़ुआ से आए युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए, साथ ही अपनी बात जनता के समक्ष रखी। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। सिवनी प्राण मोती का मुझे पुराना समय याद है, कैसे मैं दौरा करता था 42 साल पहले। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो गवाह है। तो इससे छिंदवाड़ा की पहचान बनाई। पहले 42 साल पहले अगर भोपाल में किसी से बात करते थे छिंदवाड़ा की, तो कहते छिंदवाड़ा कौन सा छिंदवाड़ा, वो नागपुर वाला। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। आप जहां भी जाए कहीं भी जाए आप छाती ठोक के कह सकते हो हम छिंदवाड़ा के हैं। सही बात है। तो ये सब संभव हुआ आपने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया, उस प्यार और विश्वास से मुझे बल और शक्ति मिली। और इस बल और शक्ति से छिंदवाड़ा के 2000 गांव में हम आगे बढ़े। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने हेतु 11 नवंबर को छिंदवाड़ा पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए छिंदवाड़ा परासिया और सौंसर में जनसभा ली। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आम जनता को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, साथ ही आगामी समय में भाजपा सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जनता को अवगत कराया। ये दीपावली का पावन पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए। मेरी बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है। और आप परिवार है बहनों, इसलिए तो बताओ मैं भाई मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, जोर से बताओ मुख्यमंत्री के भैया और भांजे भांजियों का, मैं तो मामा और भैया हूं। और इसलिए तो बहनों मेरे दिल में तकलीफ सी दर्द था। लाड़ी लक्ष्मी योजना हमने पहले बना दी, वो नहीं बताऊंगा, बाकी सब कर दिया। लेकिन मैं देखता था गरीब बहने, निम्न मध्यम वर्गीय बहने कई बार हजार हजार दो दो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती है। मेरी बहनों, ये लाड़ी बहना योजना ने जिंदगी बदली है। लेकिन दो चीजें और करना भाई बनती, कई बहने अभी रह गई है। ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे द्वारा ग्लोबल परिवार व एसएस कलेक्शन की ओर से सभी नगरवासियों को दीपावली पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए लोगों के लिए मंगल कामनाएं की गई। सबसे पहले सनातन परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है उसका धन्यवाद करते हैं। मनुष्य जाति को उसने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सबसे बुद्धिमान बनाया, समझदार बनाया है।
और बहुत से उसकी खुशियों के लिए, आनंद के लिए त्यौहार हमारे बीच में आते हैं। और त्यौहारों का ये मतलब है कि हम अंदर से आनंदित हों, हृदय से आनंदित हों, दिल से खुशी महसूस करें, अपनों से मिलें, अपनों से प्यार करें, सौहार्दतापूर्ण वातावरण रखें, स्वच्छ शहर रखें, घर रखें। और जब आप दिवाली के पटाखे फोड़ें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो बच्चे होते हैं वो ना समझ होते हैं, हम समझदार हैं, बाल्टियों में पानी भर के रखें, किसी तरीके के ऐसे बारूद के पटाखे ना फोड़ें जिसका इफ़ेक्ट उनके शरीर पर हो या उससे ज़्यादा पोल्यूशन हो। फूलझड़ी और अनारदाने जलाएं, अपने अपने परिवार में आनंद मनाते हुए एक दूसरे से गले लगें, तिलक लगाएं, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं, प्यार से बात करें। हर खुशी परमेश्वर आप और हमको आनंद से भरपूर करती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि दीपावली के इस अवसर पर जो ज्योति का त्यौहार कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसका अंधकार से कोई वास्ता नहीं है। मनुष्य की स्वतंत्रता के कारण मनुष्य ने अंधकार को चुना हुआ है, परंतु परमेश्वर ज्योति है और ज्योतिर्मय परमेश्वर है, इसलिए हम ज्योति की संतान हैं। और हम ज्योति जब जलाते हैं, दिए जलाते हैं, और उन छोटे बड़े जो हमारे कुम्हार जाति के लोग हैं, आप उनके दिए खरीदिए प्लीज़। ये आधुनिक दिए तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो जो बेचारे मेहनत करते हैं, वो मेहनत का फल हम उनको दे सकते हैं। छोटी सी खरीदी में उनको खुशी होगी। 50 रुपए के दिए अगर आप किसी से लेते हैं तो उसका घर चलता है। तो धन्यवाद के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा, नम्रता, दीनता और उसका प्यार आप और मेरे साथ बना रहे। मैं शहर वासियों को, जिला वासियों को, अपने परिवार की ओर से, ग्लोबल चैनल की ओर से, SS कलेक्शन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन आनंद और खुशियों से भरपूर रहे। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनर वेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज IVF पद्धति से, हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं महावारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जेल बगीचे में लगे हुए फटाका बाजार में आज नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा की टीम द्वारा सुरक्षा इंतजामों की जांच की गई। नगरपालिक निगम की टीम ने जेल बगीचा में लगी फटाके की दुकानों पर व्यापारियों के दस्तावेज चेक किए, साथ ही उनकी दुकान पर आग से बचाव हेतु निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमले द्वारा जिन व्यापारियों के यहां इनकी कमी पाई गई, उन्हें आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु सुझाव देते हुए निर्धारित समयावधि तक ही दुकान संचालित करने की समझाइश दी गई।
जी का जो इसकी आदत आने लगी हैं सबकी सुरक्षा कैसे अपने को सहयोग करना है वो सब तो तुम्हारे काम किसी और ये भतीजे वो बड़े पापा क्या भैया क्या नाम की बेटी परेशान होते हैं पब्लिक जो आती है वही परेशान होती है तो आज बैठे रहेगा क्या ना टंकी पे जब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पानी कम रहेगा तो ही उसको वाल बंद कर देगा। ये प्रतिवर्षानुसार यहाँ पे पटाखे की दुकानें लगती हैं, इनकी सुरक्षा से संबंध में नगर निगम का फायर का स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है। सभी लोगों के हिदायत दी गई है कि अपनी दुकानों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सामान रखें, सिलेंडर रखें जिंदा, पानी की बाल्टी रखें ताकि पानी भरा रहे, रेत का एक जगह तसले में या टीपे में रेत भी रखें ताकि कभी ऐसे अंगार लगती है उससे बचाने की हमारे पास साधन रहे। सभी लोगों के कागज़ चेक किए हैं, इनको जब तक मिला है हिदायत दी गई कि जब तक इनकी अवधि है उसके बाद दुकान ना लगा दें। तो सभी दुकानदारों से निवेदन है कि सुरक्षा अपनी रखें दुकान की अच्छे से ताकि कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना ना हो। दीपावली पर पटाखे जलाते हुए कई बार बच्चे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, साथ ही पटाखों से कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे एम श्रीवास्तव ने लोगों को सुरक्षा के उपाय बताते हुए आवश्यक जानकारियां प्रदान की। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। दीपावली हर्षोल्लास का एक उत्सव है और हमें इसे हर्ष के साथ ही मनाना चाहिए और कुछ सावधानियां अगर हम रखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं से और बहुत सारी हानियों से बचा जा सकता है। पहली चीज ये कि दीपावली में पटाखे चलाए ही जाएंगे, इसमें रोकना मुश्किल है, हम कितना भी प्रयास करते हैं उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों को तेज आवाज वाले बम पटाखे वगैरह ना इस्तेमाल करने दें, जो भी पटाखे इस्तेमाल करें वो लाइट वाले हों तो बेहतर हो। हमेशा बच्चों को बड़ों के सानिध्य में ही पटाखे छोड़ाना चाहिए और बड़े लोग की निगरानी रखें तभी ये अलाउ किया जाएगा। बच्चे नायलॉन या आर्टिफिशियल कपड़े ना पहन के सूती वस्त्र पहने और वस्त्र ढीले ना हो, क्योंकि ढीले कपड़ों में आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा 2 बाल्टी पानी और 2 बाल्टी रेत उस जगह पर रखी होना चाहिए जहाँ बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं, और जरा भी कोई प्रकार का बर्न अगर कुछ होता है तो तत्काल उसमें ठंडा पानी डाल देना चाहिए। इसके पूर्व की चिकित्सा की सलाह आप लेते हैं तो बर्न का जो इंजुरी है और नुकसान है बहुत कम हो सकता है। तो पटाखे समय छुड़ाते समय सावधान रखें। नंबर 2, ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा दीपावली में, और जो हमारे बच्चे एलर्जी के पेशेंट हैं या इनको अस्थमा है या इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सलाह है कि बच्चों को ऐसे वातावरण से दूर रखना ही उचित होगा जिसमें कि उनको धूल या धुआं जो उठेगा या गंध जो आएगी उससे दूर रखा जा सके। काफ़ी डिस्टेंस से वो लोग पटाखे देखें और मास्क अवश्य पहन के रखें जब वो पटाखे इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें कम से कम हानि होवे। तीसरी चीज़ होती है कि 2 नुकसान इसमें और होते हैं पटाखों के साथ। पहला नुकसान तो ये होता है कि तेज चकाचौंध वाले पटाखे रहेंगे तो आँख को नुकसान कर सकते हैं और रेटिना को नुकसान हो सकता है। ऐसे 1 डेसिबल से ज़्यादा साउंड वाले अगर पटाखे बच्चे चलाते हैं तो कान के पर्दे को भी नुकसान हो सकता है। ये 2 बातों को ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि बच्चों को अनार इत्यादि कोई भी ऐसे पटाखे हाथ में ना चलाने दें। कई हम केसेज हम देख चुके हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि बच्चों इंजोर हो जाते हैं। नंबर 2 आता है कि खान पान, इस समय खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि जो भी पदार्थ मिल रहे होंगे वो या तो पाम ऑयल बने होंगे या दूषित या गलत तरीके से बनाए जाते हैं। अधिकतर मिठाइयाँ वगैरह भी नकली मावा, और जैसे आप हमेशा जानते हैं
तो जितना ज्यादा संभव हो सके आप घर में बनी मिठाइयां ही इस्तेमाल करें, बाजार की मिठाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें और वही दवाई मिठाइयां आप लें और बच्चों को खिलावें जो आपको शुद्ध प्रतीत होती है और जिनको कोई प्रामाणिकता होए। साथ ही ये ध्यान रहे कि बच्चों को बहुत देर तक पटाखे और शोरगुल में ना रखा जाए, उनको बहुत कम एक्सपोजर उसका होना चाहिए। ये बातों का ध्यान हम रखते हैं तो एक तो आप खाने पीने की चीज़ों का तेज साउंड, तेज लाइट और पटाखों की जो चीज़ें हैं इससे बचा जा सकेगा और बच्चे सुरक्षित रूप से दीपावली मना पाएंगे। दीपावली पर्व के अवसर पर आज पुलिस कंट्रोल रूम में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सुंदर रंगोली सजाई गई। 24 घंटे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला पुलिस विभाग त्योहारों के दौरान भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहता है। ऐसे में दीपावली के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों ने मिलकर पुलिस कंट्रोल रूम में सुंदर रंगोली बनाई और सभी को दीपावली की बधाई दी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिटी हलचल क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4%, द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दीपावली पर्व के अवसर पर आज दिवाली ग्रुप के द्वारा दिव्यांग लोगों को एकत्रित कर श्रीनाथ स्कूल में भोजन करवाया गया, साथ ही मिष्ठान व नगद राशि प्रदान कर उनकी सहायता की गई।
हम लोग दीपावली ग्रुप के द्वारा 2018 से ये लगातार छठवा वर्ष है हमारा। छः वर्षों से हम जितने निःशक्त जन हैं उन सभी निःशक्त जनों को यहाँ श्रीनाथ स्कूल में एकत्रित करते हैं और उन्हें बैठाकर खाना खिलाने का कंबल, मिठाई, कुछ नगद राशि और उसके बाद फटाके उनके साथ जला के एक सार्थक दिवाली मना रहे हैं। ये हमारा सभी का एक छोटा सा प्रयास है जो यहाँ पढ़ाते जितेंद्र तिवारी सर के मार्गदर्शन के द्वारा संभव हुआ है। उनके मार्गदर्शन में ही सभी स्टूडेंट इकट्ठा होकर साथ में दीपावली मनाते हैं और एक सार्थक पहल है जिसे हमें लगता है कि सभी को ऐसा करना चाहिए कि दीपावली में हम एक तरफ बहुत सारे पैसे व्यर्थ में उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं फटाकों में, पर हमारे एक छोटे से प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। हम आपके ग्लोबल चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहेंगे सभी से कि आप भी इसी तरह दीपावली मनाएं कि हमारे कारण से लोग दीपावली मना सकें। आप सभी को हम लोग परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री राम। मेरा नाम विजय तिवारी। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज द्वारा महावीर भगवान के 2550वें निर्वाण महोत्सव दीपावली महापर्व की खुशी में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मंगलमय प्रसंग पर रविवार को गोलगंज के स्वाध्याय भवन में प्रियकारिणी महिला मंडल द्वारा सुंदर रंगोली सजाकर निर्वाण महोत्सव सहित दीपावली की खुशियाँ मनाई गयी। सादर जय जिले में सकल दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा इस वर्ष भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहा है। बहुत ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही है। हमारे मुमुक्षु मंडल ने अभी पंचकल्याणक विधान रखा है और उसी अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों के अहिंसक रैली भी निकाली। अभी प्रयकारिणी महिला मंडल द्वारा हमने अहिंसक रंगोली प्रतियोगिता भी रखी। आज उस रंगोली प्रतियोगिता का हमने सफल आयोजन किया, इसमें हमारी सभी बहुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्तिक माह के शुभ अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित श्री सर्वमंगला दुर्गा मंदिर प्रांगण में महिलाओं द्वारा विशेष पूजन विधान किया जा रहा है।
कार्तिक माह में सूर्योदय के पूर्व सुबह 5:30 बजे कार्तिक स्नान कर तुलसी जी के साथ बाल गोपाल और शालिग्राम देवता की पूजन सभी मातृ शक्तियों के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है। श्रीमती शशि सूर्यवंशी ने बताया कि कार्तिक माह के पावन पुनीत माह में सभी बहनें सामूहिक रूप से उपस्थित होकर सूर्योदय के पूर्व दीपदान और पूजन करके पुण्य लाभ अर्जित कर रही हैं, जिसमें शशि सूर्यवंशी, कला पवार, कमल सोनी, शकुंतला डहरिया, वर्षा बैस, संध्या शुक्ला, आशा सनोडिया सहित अन्य सभी बहनें शामिल हैं। परिक्रमा लगाते हैं, कथा पढ़ते, आरती पूजन सभी माताएं बहनें मिलकर करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में माताएं बहनें आ रही हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के श्री आदिनाथ जिनालय में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, प्रियकारिणी महिला मंडल एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला द्वारा विविध अनुष्ठानों के साथ 3 दिवसीय महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के द्वितीय दिवस बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने महावीर पंचकल्याणक विधान में हिस्सा लेकर जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक की पूजन की। इस अवसर पर निर्वाण लाडू सजाओ प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहनों ने सुंदर सुंदर लाडू बनाकर सबका मन जीत लिया। ये बने
श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा सुकलुढाना छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस की प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित, आम जनता के समक्ष रखी अपनी बातें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार, छिंदवाड़ा, परासिया और सौंसर में ली जनसभा। ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे ने दी नगरवासियों को दीपावली पर्व की बधाई, सभी के लिए की मंगल कामना। और जेल बगीचे में लगी पटाखा दुकानों का नगर निगम टीम ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।